साथियों, इस योजना की रीच को, मॉनिटरिंग को कैसे प्रभावी बनाया जाए, लाभार्थियों के लिए कैसे इसको सुगम बनाया जाए, अस्पतालों की दिक्कतों को कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर यहां दो दिन दरमियान विस्तार से चर्चा हुई है। क्वालिटी से लेकर कैपेसिटी बिल्डिंग तक यहां खुलकर विचार रखे गए हैं। विशेष तौर पर यूनिवर्सल हेल्थ केयर यानी इस योजना का दायरा हर परिवार तक कैसे लागू हो, इसको लेकर देश के कुछ राज्यों ने जो अपने अनुभव साझा किए हैं उन पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। यह हम सभी का दायित्व है कि हर गरीब के लिए, हर देशवासी के लिए मुश्किल समय में अस्पताल के दरवाजे खुले रहने चाहिए, बेहतर इलाज उपलब्ध होना चाहिए। भाई और बहनों, आयुष्मान भारत न्यू इंडिया के क्रांतिकारी कदमों में से एक है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये देश के सामान्य मानवीय के, गरीब के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये भारत के रूप में 130 करोड़ लोगों के सामूहिक संकल्प और सामर्थ्य का भी प्रतीक है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश में गरीब को सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के प्रयास पहले भी हुए हैं। हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश ने अपने सीमित स्तर पर हर संभव कोशिश की है। राज्यों की तमाम सद्भावनाओं के बावजूद ना तो गरीबों को वो लाभ मिल पा रहा था और ना ही मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कोई सुधार हो पा रहा था। लेकिन आयुष्मान भारत ने सिद्ध कर दिया कि जब भारत की सामूहिक ताकत अगर कहीं पर भी लग जाती है तो उसका लाभ और शक्ति बहुत व्यापक हो जाती है, विराट हो जाती है। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव था। यही कारण है कि बीते एक वर्ष में करीब 50,000 लाभार्थियों ने अपने राज्य के बाहर दूसरे राज्यों में इस योजना का लाभ लिया, यानी अच्छी अस्पताल में जाना उसने उचित माना।